गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज द क्लास 9 एंड द चैप्टर इज द व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, चैप्टर सेकंड ऑफ सिविक्स। एंड देखिए इसमें आपका देखते हैं क्या, इसमें कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वही आपका जो आपने देखा था क्या इस चैप्टर में, अभी लास्ट टॉपिक आपका है, तो इसमें हमने देखा था क्या कि इस शुरुआत की डेमोक्रेसी क्या है, इसमें कौन कौन सा डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, उसके मेन फीचर और उससे रिलेटेड कुछ कंट्रीज के जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे, तो उस और उसके बाद हमने देखा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका लास्ट टॉपिक आपका ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग्स मतलब इसको और थोड़ा अधिक जानते हैं मीनिंग्स, इसका मतलब जो डेमोक्रेसी को और अच्छी तरीके से इसको और विस्तार करते हैं। तो देखिए जो इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की उत्पत्ति जो हुई, जब आगमन हुआ, तो ये इसका क्या हुआ, डेमोक्रेसी में किस फॉर्म में आने लगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ये हमारे लिए रूल और रेगुलेशन को क्रिएट करता है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बिहाफ पे, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे बेनिफिट के लिए, टू बेनिफिट आवर सोसाइटी के लिए क्या करता है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, वही हमारे बिहाफ में, हमारे जो हमारे बदले में वो रूल एंड रेगुलेशन, और वो हमारे बताए हुए चीजों को फॉलो करता है। तो जैसे कि देखिए इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे इसका जो उत्पत्ति हुआ जो लोकतंत्र का, वो कैसे हुआ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से हुआ। तो इसमें देखिए व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। तो देखिए डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होना क्यों, मतलब कि जरूरी है या आवश्यक है, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर होते हैं, तो वो क्यों होना आवश्यक है। देखिए इसमें कुछ जो जो क्या क्या इसमें, ये ऐसा नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसमें पहला देखिए पॉइंट क्या है आपका, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होते हैं, जो एक कंट्री में क्या होते हैं, काफी पॉपुलेशन जो होता है काफी बड़ी होती है किसी भी कंट्री के, जैसे यहाँ भी हम जैसे इंडिया का देख लेते हैं एग्जाम्पल में, कि इंडिया में सपोज अभी 1 अरब 20 करोड़ लोग हैं, तो सभी क्या कर सकते हैं, सभी लोग एक साथ रूल नहीं कर सकते, तो अपने अपने एरिया से क्या करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ में, उनके जो भी समर्थन में, जो उनका रूल और रेगुलेशन होता है, जो भी उनके विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो अपनी जनता का सुनता है और उसके बिहाफ पे वो एक अकेला पर्सन डिसीजन लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो सारा सिस्टम चलता है। तो इसके में क्या होता है, जो जिसकी डेमोक्रेसी में देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग, तो ये लगभग क्या है आपका, प्रैक्टिकली बहुत असंभव, इम्पॉसिबल है उसको शामिल करना सभी लोगों को, देश को अगर कोई फैसला हो रहा है देश के हित में, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो सभी लोगों को मान लीजिए उसके लिए, या कोई फ्रेम लॉ का हम पास हो रहा है, तो कुछ भी मनी डेवलपमेंट या उससे रिलेटेड जो भी, जैसे कि डिसीजन लिया गया COVID-19 के चलते क्या लिया गया कि लॉकडाउन हो गया, तो अगर सपोज मान लीजिए कि क्या अब कौन ये डिसीजन कौन ले, जिनको हमने वोट करके इलेक्ट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया और उन्होंने क्या किया, डिसीजन देश को मतलब कि सुना दिया कि आपके जो भी डिसीजन जो भी देश के अंदर लिए जाते हैं अर्जेंट डिसीजन, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लिया करते हैं। तो जैसे कि COVID-19 का जो लॉकडाउन का डिसीजन था, ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हुआ, जो हमारे द्वारा क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे द्वारा जो हमारे डेमोक्रेसी सिटीजन, जो डेमोक्रेसी कंट्री का जो सिटीजन है, उनको वोट करके इलेक्ट किए हैं इलेक्शन में। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, तो प्रैक्टिकली जैसे कि देखिए क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी, अगर एक कंट्री में, हमारे कंट्री में क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर सपोज सभी लोग इसको शामिल करना उस डिसीजन मेकिंग में क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, सभी लोग का जो मतलब कि थॉट होगा या ओपिनियन होगा वो काफी डिफरेंट हो सकता है, तो सभी का सपोज आपके क्लास में मॉनिटर को बना दिया जाता है, तो मॉनिटर जो भी उसको फैसला शांत जो पीस बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए उसको जो भी डिसीजन लेता है, अगर सभी लोग की राय अगर सुना जाए, फिर सभी लोग का मान लीजिए क्लास में सुना जाए, तो क्या होगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, सब लोग क्या होगा आपस में अपना अपना राय रखते रहेंगे, और वो क्या होगा कि क्या मतलब बहुत टाइम डिले हो जाएगा, जिससे सपोज अगर एक विधानसभा में तो कुछ लीडर होते हैं, तो उनका जो आपस में 1 घंटा 2 घंटा 1 से 2 दिन में हम लोग फैसला कर लेते हैं, लेकिन अगर सभी लोग से राय लिया जाए, सभी देशवासियों से या सभी राज्य के लोगों से लिया जाए, तो क्या होगा उस प्रोसेस में काफी डिले हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग की राय ओपिनियन जानते जानते क्या हो जाएगा, सभी स्टेट और एवरी डिस्ट्रिक्ट और के लोग से हम बात करते करते ही क्या हो जाएंगे, हमारा 1 साल से ऊपर का समय या उससे बहुत ज्यादा समय लग सकता है उससे कांटेक्ट करने में, जो हमारा
मतलब कि सभी लोगों से मिलने जुलने में उसके ओपिनियन और उनके थॉट जो डिसीजन ले रहे हैं उससे रिलेटेड पूछने में और उससे जो उनका जो ओपिनियन आएगा, जो उसका सलाह एडवाइज आएगा, उसको जानने में हमें काफी लंबा समय लग सकता है। तो इससे क्या होगा, काफी डिले हो जाएगा और ये हम किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं और मतलब कि डिसीजन को हम कर भी नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट डिसीजन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के ओपिनियन आएंगे, सभी लोग का माइंड अलग है, डिफरेंट है और सभी लोग अपना अपना क्या करेंगे ओपिनियन जो भी उनके मन में आएगा, अटपटा सा, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का अटपटा भी हो सकता है, वो अपना उसके सामने रख देंगे। तो ये क्या पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जैसे कि क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो इसलिए हमें क्या नीड होती है, आपको डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव की नीड होती है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, हम आगे देखते हैं, जब पीपल डज नॉट हैव टाइम टू डिजायर टू टेक डिसीजन। तो देखिए, जो पीपल के लोग, यहाँ के लोग के पास क्या है, वो समय भी नहीं, क्योंकि वो सबका अगर इस डिसीजन में लगे रहे हैं साल दो साल तीन साल के डिसीजन बनाने में, तो अपना रोजगार है, अपना जॉब्स है, अपने जो ड्यूटी होते हैं फैमिली ड्यूटी और भी जो भी सारे काम को छोड़ छाड़ के भी इसमें लगे नहीं रह सकते जो भी लोग हैं रिलेटेड, तो ऐसा उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास डिजायर या स्किल्स भी नहीं है, मतलब कि इच्छा भी नहीं उनको कि ये हम फैसला करें या कुछ भी, मतलब कि हम अपने ओपिनियन दे, और ये मतलब उनके पास डिजायर भी नहीं है और ना ही लोगों के पास, सभी लोगों के पास स्किल्स होता है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, टू टेक डिसीजन लेने का, और ये तो उनके पास डिजायर नहीं होता है, ना ही उनके पास स्किल्स या माइंड होता है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक देश के बिहाफ में, एक कंट्री के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव का ही जो माइंडेड पीपल होते हैं, तो क्या होते हैं, मतलब कि तो वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, सभी लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती, एक डिजायर नहीं होता है और कि ताकि वो देश के बिहाफ में या कंट्री के बिहाफ में अपने डिसीजन ले सके और उनको आइडिया दे सके, और ना ही उनके पास उतना टाइम होता है। तो पीपल डज नॉट हैव टाइम डिजायर और स्किल्स टू टेक डिसीजंस। तो आगे देखते हैं थर्ड में, जैसे कि एक डेमोक्रेसी होता है, गुड डेमोक्रेसी होता है, कहने का मतलब डेमोक्रेसी एक गुड, मतलब कि क्या होता है, डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी होता है। तो इसमें देखते हैं गुड डेमोक्रेसी में क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब एक डेमोक्रेसी जैसे कि हाँ डेमोक्रेसी इलेक्ट की है वो चल रहा है जैसे तैसे, लेकिन एक गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपुल्स का भी रोल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो लीडर को उसको भी चेक करना है काफी, जो मतलब कि जो एक डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस होता है कि डेमोक्रेसी हाँ चीजें हो रही है चल रही है तो डेमोक्रेसी है जो अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन जो गुड डेमोक्रेसी होता है लोग उससे अपने लीडर से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने क्या बिहाफ किया, मतलब कि आपने उनके बिहाफ पे क्या क्या डेवलपमेंट किया या फिर आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया और क्या क्या डेवलपमेंट के जो वर्क है आप कर रहे हैं हमारे लिए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में मतलब डिफरेंसेस होते हैं। क्या डेमोक्रेसी में क्या होता है, काफी करप्शन भी काफी मतलब इवॉल्व हो जाता है, पनपने लगता है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि लोग जो लीडर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास ग्रीड आ जाती है अपने नीड को लेकर, अपने जरूरत को लेकर, फ्यूचर को देखकर। तो आगे देखते हैं जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड दैट डिसीजन। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि कोई डिसीजन लिया गया तो उससे भी क्या, जैसे कि अभी लॉकडाउन है, जैसे कि आपका तो देखते हैं तो आपका जो COVID-19 से क्या हो रहा है, कुछ ऐसे भी क्लास या जो वर्ग के लोग हैं, मतलब कि जो कुछ ऐसे भी स्टेटस के लोग हैं या मतलब कि जो वर्ग के दूसरे गरीब लोग हैं जो क्या हो रहा है, इससे काफी इफेक्ट हो रहा है, तो इससे क्या होता है उसको भी, उनका भी ओपिनियन लिया जाता है, जो इफेक्टेड होते हैं उस डिसीजन से उसको उनका भी विचार, उनसे भी विचार विमर्श या कंसल्ट किया जाता है। लेकिन मोनार्की में ये सिस्टम नहीं होता, ना डिक्टेटरशिप में, जो फैसला कर दिया एक बार राजा या उसका जो लीडर है तो जो तानाशाह है वो एक बार वो क्या हो गया, पत्थर का लकीर हो गया, वही रूल और रेगुलेशन होगा। जैसे आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे दक्षिण कोरिया किम जोंग के बारे में, ये सारे चीजों को हमने देखा होगा कि किम जोंग क्या करता है, अपना तुरंत का जो भी फैसला होता है रात को फैसला दिन में सुना देता है, तुरंत इमिजिएटली एक्शन करता है और वो मतलब कि लोगों के हित के बारे में उतना सोचता नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर इस डिसीजन से अगर कोई डिसीजन लिया गया डेमोक्रेसी कंट्री में, कोई इफेक्टेड हो रहा है, जो भी लोग इससे इफेक्टेड हो रहा है, दो आर इफेक्टेड दैट डिसीजन, उस डिसीजन से अगर इफेक्टेड हो रहा है तो उससे क्या होता है, कंसल्टेशन और कंसेंट किया जाता है। कहने का मतलब उससे कंसल्टेशन बातचीत और कहने का मतलब उसका विचार को जाना जाता है, कंसेंट मतलब उसकी ओपिनियन को जानने का प्रयास किया जाता है कि उस डिसीजन को लेकर उस तबके के लोग के या उस क्लास के या उस वर्ग के जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है, उस पर भी
जो इससे प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं उस डिसीजन से, उनके बारे में भी ये सोचा जाता है। तो इस तरह से देखिए तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्यों है, इस तरह से सारे जो आपका देखिए इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो आगे देखते हैं, नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड में जैसे कि लगभग नाउ का जो डेज में क्या नाउ डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रॉक्स क्या है, सारे कौन से लोग हैं, सारे देश में लगभग आपका डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री जैसे सऊदी अरबिया है, आपके दक्षिण कोरिया और भी एक्सेप्शनली कुछ कंट्री है जो कि आपका डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहा आज के दिनों में भी। लेकिन आप ये देखिए नो कंट्री इज परफेक्ट, लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं है जो डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, सही ढंग से चल रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे डिक्टेटरशिप है आपका, मोनार्की सिस्टम है, तो उससे क्या उसके जो अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है डेमोक्रेसी के अलावे, उससे ये बेटर तरीके से वर्क करता है, जो हमारा सिस्टम चलता है, सोसाइटी चलता है, ये कंट्री को क्या करता है, यूनाइट करने में हेल्प करता है और लोगों के लिए राइट्स के लिए काफी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों के राइट्स और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट तो होता है लेकिन काफी डिले होता है। तो नो कंट्रीज क्या है आपका, डेमोक्रेसी में क्या लोकतंत्र किसी भी देश में कह सकते हैं परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं और क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। तो डिमेरिट्स और मेरिट्स साथ सारे कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सारे में क्या है, जो जो भी इसके डिमेरिट्स भी वो चल रहे हैं और मेरिट्स भी इसके कुछ चल रहे हैं। पूरी तरह से आपका ये किसी भी देश में ये क्या है परफेक्ट रूप से नहीं चल रहा है। तो आगे इसको परफेक्ट करने के लिए कौन काम करेगा, तो बी द पीपुल, जैसे हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो मेक इट, इसको हम पूरा कर सकते हैं ताकि हम अपने जो पूरा ऑनेस्टली फुल और मतलब कि ट्रूथ से क्या करें अपना काम या वर्क करें। आपका स्टूडेंट है तो ईमानदारी से ऑनेस्टली स्टडी करें, जो भी आपके टीचर हैं या आपके जो ऑफिसर्स हैं वो ऑनेस्टली अपना वर्क करें, फंक्शन करें, तो क्या होगा, तभी हमारा सोसाइटी क्या होगा, डेवलप होगा और ये क्या होगा आपका कंट्री इस तरह से परफेक्ट रन कर सकेगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, तो लोग यहाँ के जो लोग जब अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन करने लगेगा। जब सभी लोगों में क्या हो जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, तो ये फंक्शन करने लगा। तो आगे देखेंगे इसमें क्या आपके, तो यहाँ पे आपके ये चैप्टर समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स मेन फीचर, तो ये भी, एंड सब व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेरिट्स एंड डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से करेंगे। और जैसे कि आपका व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल कंट्री के थे, तो व्हाट इज द मतलब फ्रेम, लीगल फ्रेमवर्क क्या था इन पाकिस्तान में, आपका जो क्या था आपका, जैसे कि मैक्सिको में क्या था, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या फंक्शन था, ये सारे चीजों का हम इसमें जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इसको सॉल्व खुद से करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।